यस, सबको आवाज आ रही होगी। ठीक ठीक है, ओके। अभी ये हमने जान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब लोगों को पता चल गया है। मेरी आवाज सबको आ रही होगी, ठीक है। अभी ध्यान से कुछ कुछ वर्ड में वो लोग क्या करते हैं, हमको मतलब फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले किसी एक स्टूडेंट ने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह वगैरह बोला, तो शायद वो कंफ्यूजन आपको लग सकता है, इसलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अभी एक बार चेक कर लेते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन है पहले आपके सामने, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को हमेशा वाई एक्सिस बोलेंगे। इसके ऊपर कुछ नंबर होते हैं, इनको कॉमनली बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको कॉमनली क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। उसके चार पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैंने बता दिया। अभी ओरिजिन क्या होता है और वो कैसे रिनोट करते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। इसको और एक नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल इस प्लेन के ऊपर, मतलब जहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ये क्या चीज़ है, कार्टेशियन प्लेन, ऐसा भी आप लोग उसको कह सकते हैं। किसी को लिखना होगा तो ये स्पेलिंग आप लोग लिख लिए, जो पहले टाइम मतलब फर्स्ट टाइम सीख रहे उनको ये नाम थोड़ा अजब लग सकता है। तो दिस इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट देखे, मतलब मैंने जब P3,4 बोला तो ये कार्टेशियन प्लेन में लिखा हमने, कार्टेशियन प्लेन में हमने प्लॉट किया था। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। सिर्फ कोऑर्डिनेट बोला तो भी चलता, कभी कभी वो लोग इसका नाम मतलब दे सकते हैं, तो अलग मत समझना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट एक ही चीज है, बस ये कार्टेशियन नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अभी ये परपेंडिकुलर का क्या सीन है एग्जैक्टली, वो एक बार हम लोग थोड़ा दिमाग में क्लियर कर लेते तो सबको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्या परपेंडिकुलर इस वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है सबको? अगर सपोज कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की और दूसरी लाइन मैंने यहां से ऐसी ड्रॉ की एग्जैक्टली 90 डिग्री टू दिस, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं हो गई? आप इसको क्या बोलोगे, इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। जैसे ये जमीन है, लैंड है, इसके ऊपर कोई घर खड़ा है या कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक का पोल खड़ा है, ये कैसे खड़ा होता है, हमेशा 90 डिग्री में होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारा परपेंडिकुलर लाइन बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर समझ में आ गया सबको, परपेंडिकुलर क्या है। इसके एग्जैक्टली उल्टा और एक चीज होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये लाइन है सपोज, और एक लाइन मैंने बनाई एग्जैक्टली उसके जैसे, रेल की पटरी रहती, रेल की पटरी देखी आप लोगों ने, देखी होगी, ये रेल की पटरी हो गई, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ये कौन सी लाइन हो गई एक दूसरे से, ये और ये पैरेलल, यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर एक चीज होती है, एक पैरेलल होती है, ठीक है। इसको सपोज मैं L1 बोलूंगा, इसको मैं L2 बोलूंगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। दूसरी चीज, पैरेलल लाइन के अंदर अभी ये देखिए, ये जो है बीच का जो भी होगा वो लाइन, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ये डिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं, बराबर है ना। जैसे रेल के पटरी जो होती है वो अंदर जो स्लीपर्स लगी होती है लकड़ी की या लोहे की, वो अलग अलग साइज की नहीं होती, वो सभी जगह पे जाओ जहाँ जहाँ पटरी जाएगी वहाँ वहाँ सेम होगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसके अंदर वो जो है ये 90 डिग्री एंगल जो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। परपेंडिकुलर लाइन रही तो 90 डिग्री कांस्टेंट होता है, पैरेलल लाइन रही तो फिर ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज नेवर चेंजिंग, वो कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे भी हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को काटना, तो उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। वैसे एक पॉइंट में वो काटता है, लेकिन पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, मतलब दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग, दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इज एज अ पैरेलल लाइन। वो पैरेलल तभी होते जब वो नेवर इंटरसेक्टिंग रहते। तो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बाय पैरेलल लाइन, व्हाट इज बाय परपेंडिकुलर लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो शुरुआत से सीख रहे वो। ओके, बाकी लोगों को तो पता ही है, आई नो दैट, कि पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। लेकिन वो इसलिए समझा रहा था मैं क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे है सपोज 4, ठीक है, उसको मैं लाइन से बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सबको। सपोज मैंने यहाँ से लिया एक लाइन दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और ये मेरा पॉइंट हो गया सपोज P, इसका नाम है 3,4, ऐसा समझ लो। तो मैं 3 x एक्सिस पे लिखना चाहिए कि y एक्सिस पे लिखना चाहिए? मैंने 3 जो है वो x एक्सिस पे लिखना चाहिए कि y एक्सिस पे लिखना चाहिए? एक्स एक्सिस बराबर, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा या फिर एक्स एक्सिस। कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा 3, और ये भाई साहब क्या हो गया हमारा 4। अब ये 3 और ये 4 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लाइन निकाली है, ये जो लाइन निकाली है मैंने ऊपर, इस लाइन की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने डॉटेड करके आगे एक्सटेंड किया, क्या इससे ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है? मतलब ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट से क्या ये इधर तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक जहां मैंने एरो किया है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है? और ये भी चीज देखो, ये भी क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है? ये स्क्वायर डैश आपको दिख रहा होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, और यहाँ पे भी वो दूसरे को परपेंडिकुलर ही है। सब चीजें एक दूसरे को क्या एक्चुअली परपेंडिकुलर है? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? वाई एक्सिस से। अब वाई एक्सिस किधर है? ये देखिए, इसको वाई एक्सिस बोला हुआ है, ये है वाई एक्सिस, मतलब ये पूरी लाइन वाई एक्सिस ही हो गई। तो इधर से लेकर इधर तक हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस शो करता है, ये 3 मतलब ही ये चीज शो करता है। यस, आ रही बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलिए कुछ भी बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या शो करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो है ही जैसे मैंने पहले बताया, और ये हो गया वाई एक्सिस। आप इधर समझिए या इधर समझिए, बात एक ही है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, सेम ही लाइन है, सेम ही डिस्टेंस है। ओके, सबको आया समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर से बोल रहा हूँ मैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है किसी भी पॉइंट का, वो वाई एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो उल्टा बोलना स्टार्ट करिए, अभी वाई के बारे में क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी चीज का वाई कोऑर्डिनेट, देखिए ये वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये फ्रॉम एक्स एक्सिस है कि नहीं? या फिर इस वाई कोऑर्डिनेट को पकड़िए, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी है कि नहीं? अगर ये 4 सेंटी, सपोज सेंटीमीटर था इधर, 1, 2, 3, 4, अगर ये चीज अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी चीज 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ये चीज अगर यहां से यहां तक अगर 3 सेंटीमीटर है
तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर ही है ये रेजिस्टेंस। बात आ रही समझ में सबको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया, कौन किसका किसके साथ है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। मैं फिर से एक बार लास्ट रिकॉल करता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऐसा नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, ये थर्ड में भी होता है, ये फोर्थ में भी होता है, ये सब में होता है। वो समझने के लिए आसान, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझाया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। फिर आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव नेगेटिव साइन का पूरा नॉलेज आ गया है, उसमें कोई आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा। अब मैं और कुछ चीज बनाता हूं, उसके अंदर मुझे आंसर देना आप लोग। सपोज दिस इज अगेन वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे होता है ओरिजिन। सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ओके सपोज ये 1 2 3 ऐसा समझते हैं हम लोग, 1 2 3। मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने, तो मैं क्या लिखूं? यस 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 आई नो दैट, उसका बेसिक तैयार करना पड़ेगा। अफरान जहीर बोलिए, मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूं? क्या लिखूं, सिर्फ 3 लिखूं, 10 लिखूं? 30 सर, 30 30। सपना आपको 10 क्यों लग रहा है, ये 10 का क्या संबंध है इधर? यस 3.0 लिखना चाहिए मैंने। ठीक yes, है सर, अपॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज वाई 0। यस यस एग्जैक्टली 1.0 2.0 3.0 करेक्ट। वैसे अगर मैं ऊपर ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे अगर मैं 4 है, सपोज मेरा 1 2 3 4 है, ऐसा सपोज ये हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को? सर 0.4। अरे 1.0 नहीं हो सकता ना सपना, इसमें गलत ये है कि मैं ये पॉइंट पूछ रहा हूँ थर्ड वाला, आप फर्स्ट वाला क्यों बता रहे हो? जब मैं थर्ड वाला पूछ रहा हूँ तीसरा पॉइंट, तो आप फर्स्ट क्यों बताओगे? अपने 3.0 बोलना चाहिए, 1.0 थोड़ी ना उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है कैसे लिखा जाता है इन चीजों को? ठीक है, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे अभी बढ़ाते जाते हैं, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप समझना उस चीज को क्या है। सपोज आपने अगर नए पेज पे समझाता हूँ, अगर सपोज एक पॉइंट दिया गया, कोई एक पॉइंट है ए, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है सपोज, और ऐसा हुआ कि उस पॉइंट की मूवमेंट हो गई और वो पॉइंट बी की तरफ चला गया। क्या हो गया? उसकी मूवमेंट हो गई और वो पॉइंट बी की तरफ चला गया, तो उसके भी कोऑर्डिनेट हमें पता है। लेट से इसके कोऑर्डिनेट है x1 और इसके कोऑर्डिनेट है y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और ये है y2, ऐसा आप अज्यूम कर लो। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हुआ, इसकी जब मूवमेंट हुई तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिस्टेंस पैदा हुआ। सही बात है कि नहीं? अब मुझे ये डिस्टेंस अगर निकालना है इन दोनों के बीच में, ये ए बी कितना था ये अगर मुझे निकालना है, तो मैं कुछ निकालने के लिए कैसे निकाल सकता हूँ? मतलब कुछ है क्या हमारे पास इसकी मदद से? यस एनीवन? सर डिस्टेंस फॉर्मूला है लेकिन उसको डिराइव करना पड़ेगा। यस डिस्टेंस फॉर्मूला है लेकिन उसको डिराइव करना पड़ेगा, और कुछ?
और कुछ है क्या हमारे पास? डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही, करेक्ट। तो एक्चुअली प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, वहां हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लेन। प्लेन कहने का मतलब था इनका कि कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का कहने का मतलब कौन सा था इनका? कार्टेशियन प्लेन। यस यस करेक्ट। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि आपको सिंपल क्या लेना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सपोज ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके सिंपल। तो इसको अभी मैंने क्या किया, पहले ये ऐसे ओपन स्पेस में था, हमने उसको कहाँ पे शो किया, अभी जैसे इन्होंने बोला वैसे कार्टेशियन प्लेन में हम लोग उसको लेके आए। ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। तो अभी क्या इनको नंबर दे सकते, मतलब कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, इसको भी इधर भी कुछ ना कुछ नंबर रहते होंगे, बराबर है। और ये मूवमेंट हुई है फिर से ए से बी तक, और हमें वही हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, ए बी। अब ये बात छोड़ दो कि वो कैसे डिराइव होता है, कैसे होता है, उसका डेरिवेशन है अपने पास, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं। आपको सिंपल एमसीक्यू टिक करना है और आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको कोई राइटिंग वाला पेपर नहीं है ये कि इसके अंदर ये पूछे। 10 मार्क को तो पूरा मैथमेटिक्स है, उसका एक थोड़ा टॉपिक कोऑर्डिनेट है, उसमें आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि ए से बी तक जाने का फॉर्मूला क्या है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लोग पूछेंगे, यस एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला एग्जैक्टली? जिसने बताया ये पंकज कुमार, वो थोड़ा गलत बताया आपने फॉर्मूला, किसी को पता है? सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस अंडर रूट। हाँ एग्जैक्टली, अंडर रूट में होता है। एक्चुअली मैं चैट करता लेकिन टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई मुझे ये वॉइस पे ही बोलना पड़ रहा है। नहीं वॉइस पे ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉइस पे ठीक रहेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये y2 - y1 स्क्वायर ये लिख लेना सभी लोगों ने, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे यूज करना है और ये सभी चीज है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, यस यस दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है हो गया, आया सबको समझ में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज है और किस चीज के लिए है? अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ जाती है, अब वो लोग कैसे करेंगे आपको एग्जाम में, आपको सीधा नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे आपको, एब्सिस ऑर्डिनेट की भाषा में वो लोग बोलेंगे, या फिर वो बोलेंगे एक मिलिट्री का टैंक था ए प्लेस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट कुछ ये थे, अब वो अभी वही टैंक आगे गया है, उसके कोऑर्डिनेट ये है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालो। तो आपको दिए जाएंगे वैल्यू x1 y1 x2 y2, वो डाल देना, और कोई यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो आंसर, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, शायद ऐसा वो बोलेंगे कोई पार्टिकल है वो ए प्लेस पे ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट ये है, वो बी प्लेस के ऊपर चला गया तो उसके कोऑर्डिनेट ये है, तो आप डिस्टेंस निकालिए, तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकालना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन कैसे बन सकते समझ में आ रहे हैं? मतलब ऐसे भी कुछ भी चीज, पार्टिकल, टैंक, कोई मच्छी, कुछ भी बोल सकता है वो, गोट, शीप, एनिमल, इंसान, कुछ भी दे सकता है, उसके लिए कोई ऐसी ये नहीं है, मतलब फिक्स इतना ही होगा उतना ही होगा। यस क्लियर है सबको? चलेगा, अभी थोड़ा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने अगर आपको दिया होता x1 y1, ये दिया होता मैंने 2, 1 और ये दिया होता मैंने 4, 3, चलो निकालो इसका आंसर। तो आप लोग क्या करते तुरंत, ये याद आना चाहिए एग्जाम में, सर ने क्या बोला था, x2 - x1 स्क्वायर। x2 क्या है वो देखो, जहां से √2। हाँ एक मिनट, जहां से, हाँ बहुत जनों को ये प्रॉब्लम होता होगा कि सर x1 किसको ले और x2 किसको ले, वही समझता नहीं है। तो ध्यान में रखो सिंपल, जहां से स्टार्ट होता है कोई चीज वो है इनिशियल पॉइंट x1 y1, जहां पे खत्म होती है वो है x2 y2, ऐसा ध्यान में रख सकते, ठीक है। जहां से चालू होती है कोई चीज दैट इज x1 y1, जहां पे खत्म होता है दैट इज x2 y2। तो x2 - x1 था, मतलब ये 4 - 2 हो गया,
उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कौन है तुम्हारा, थ्री, और ये चीज क्या है, वन। ठीक है, यस यस, सबका आंसर सही आ रहा है जिनको पता है वो। तो ये चीज बन जाएगी टू स्क्वायर और ये बन जाएगी टू स्क्वायर। सर लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही थी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हाँ तो वो बताऊंगा मैं, ओके ओके, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन डालिए लगिए तो मैं बताऊंगा। ओके, व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना आप खाली, फिर हम लोग करेंगे उसको भी सॉल्व। तो ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फोर, आंसर क्या आएगा इसका, एट। आपको एक तो इस फॉर्म में देगा वो आंसर, लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट मतलब होता है फोर इंटू टू। तो ये फोर क्या होता है, स्क्वेयर रूट है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है, वो बाहर निकलता है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा टू रूट टू। ठीक है, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर दिया होगा तो मीटर लिखो, किलोमीटर दिया होगा किलोमीटर लिखो, जो भी यूनिट दिया है वो प्रॉपरली लिखना चाहिए, मतलब वो देते ही है वो, ऐसे नहीं दिया होगा कुछ यूनिट मत लिखो, जैसे वैसे रखो। सबको आया समझ में, फोर कैसे बाहर आता है ये, इस किसी स्टेप में किसी को डाउट है क्या पूरे जो सॉल्व किए इसमें, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन दूंगा तो वो सॉल्व करते आना चाहिए। यस एनीवन, लास्ट पॉइंट। अरे एट जो है एट, ये एट को हम लोग क्या फोर इंटू टू नहीं लिख सकते, फोर इंटू टू एट नहीं होता है, और इस फोर का मतलब क्या टू इंटू टू इंटू टू नहीं होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए दो चाहिए, दो की पेयर, तो दोनों में से एक बाहर आ गया तो टू रूट टू ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। एक तो आंसर इस फॉर्म में दिया होगा तो ये टिक करके आओ, नहीं तो ये टिक करना आप लोग। क्लियर है क्या अभी, जिनको ये नहीं समझ आया रूट एट का कैसे हो गया ये। यस सपना, आया समझ में, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ऑफ ए 5.12 फ्रॉम 5.12 फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या कह रहा है ये, वाई एक्सिस से क्या निकालना है 5.12 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। चलो ये वाई एक्सिस की बात किया है, ओके पहले तो हम लोग इसको ग्राफ से समझते, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, बाकी जिनको आता है वो अपना अपना आंसर निकाल सकते हो, ओके आप मत वेट करना मेरा, आप आपके हिसाब से आंसर निकाल सकते। जिनको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, तो इधर समझा देता हूँ मैं अभी। ये हो गया एक्स, जस्ट ए मिनट, ये हो गया x, ये हो गया y, ये a पॉइंट 5.12 वो कहाँ पे आएगा, थोड़ा सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा। सपोज ये पॉइंट है a 5.12, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग, समझने में क्या जाता है। फिर यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है ओके, यहाँ से एक लाइन खींच लेते। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो होगा फाइ, इधर होगा ये फाइ, अच्छा किसी का आंसर अलग अलग आ रहे हैं, हाँ अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है देखते हैं आंसर, जिनके आंसर आप आपको आखिर में पता चली जाएगा। ये फाइ है सपोज, ये 5.0 हो जाएगा, बराबर है, और ये क्या बन जाएगा 0.12, क्यों, वाई एक्सिस का हम लोग इसी तरह लिखते हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया x का अब्सेंट होता है इसमें, ये ओरिजिन है हमारा, फाइव यूनिट्स आता है इसका,
ओके ओके ओके, देखिए देखते हैं, वेट जस्ट वेट। ओके अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, ए का, ए किधर है, ये हो गया हमारा ए, किधर से, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहाँ पे, ये देखो ये है वाई एक्सिस, मतलब हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये दिख रहा है ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो आप लोग किस किस का कौन सा पॉइंट कंसिडर करोगे, एक तो ए वाला कंसिडर करोगे 5,12, और दूसरा बी किसको बोलोगे, बी बोलोगे 0,12 को, 0,12। क्यों, समझ में आया, फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा था इसलिए हमने ये पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो, और अगर उन्होंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला होता तो हम लोग कहाँ पे लिखते, कौन सा लेते फिर हम लोग, ये लेते फिर हम लोग, ये कंसेप्ट समझ आया सबको, ध्यान से समझिए, नहीं आया समझ तो दो बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार रिपीट करूंगा लेकिन चीज को समझ लेना है सबने। फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा, फ्रॉम मतलब कहाँ से, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, वैसे फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से, इसलिए वाई एक्सिस के पॉइंट लेने हैं, एक्स एक्सिस बोला होता तो एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है, क्लियर है सबको। अब इन दोनों के बीच में वो वाला फॉर्मूला लगाओ, हाँ एक्स वन वाई वन किसको बोलो, बोलो भाई इसको बोलो एक्स वन वाई वन, और इसको बोल दो एक्स टू वाई टू, जिनको डाउट है जिनको समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हो, ओके उनको चैट बॉक्स खुला है, वॉइस भी खुला है, कुछ भी किधर से बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है याद करिए, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू, यस कोई कहना चाहता है क्या, एक्स टू की वैल्यू डालिए क्या है, जीरो है, जीरो माइनस फाइव प्लस वाई टू की वैल्यू ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ठीक है, जीरो माइनस फाइव मतलब कितना होता है, वो तो माइनस फाइव होता है, माइनस फाइव का स्क्वायर, और ट्वेल्व में से ट्वेल्व तो हट जाएगा मतलब जीरो का ही स्क्वायर रहेगा, अब माइनस फाइव का स्क्वायर पता होना चाहिए, वो पॉजिटिव बन जाता है निगेटिव का, और जीरो का तो जीरो ही रहेगा, मतलब आखिर बचा 25, और 25 का रूट क्या निकलता है हमारा, क्या निकलता है 25 का रूट क्या निकलता है, फाइव निकलता है, कौन बोलेगा 25 का रूट क्या निकलता है, फाइव सर, सिर्फ फाइव निकलता है, सिर्फ फाइव निकलता है, प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ एग्जैक्टली प्लस माइनस फाइव निकलता है, तो हम लोग माइनस क्यों नहीं कंसिडर करते भाई, इस केस में हम लोग माइनस क्यों नहीं कंसिडर करते, क्वाड्रेंट डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा डिस्टेंस है जा रहा, नहीं ये रीजन नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ रीजन नहीं इसके अंदर, दूसरा नहीं, हम लोग निकल बेसिक कंसेप्ट देखिए ना, हम लोग निकल क्या रहे, हम लोग क्या निकल रही है, ए बी निकल रहे मतलब क्या निकल रही है, लेंथ है, और दुनिया में ऐसा हुआ है क्या कभी लेंथ निगेटिव में हुई है, लेंथ कभी निगेटिव में होती है क्या, नहीं, इसलिए हम लोग निगेटिव वाला कंसीडर नहीं करते, वरना वो क्वाड्रेंट का कुछ लॉजिक नहीं है एक्चुअली इसमें, ओके क्वाड्रेंट का लॉजिक इधर तक लिमिटेड है कोऑर्डिनेट लेने तक, वो पॉजिटिव निगेटिव होके फाइनली जो आएगा वो आएगा, मैं बात कर रहा हूँ रूट वालों की, जो फाइनल आंसर हमारा वो पॉजिटिव निगेटिव में आ सकता है, लेकिन हम हमेशा पूरे इस चैप्टर में पॉजिटिव ही लेते, वो इसलिए लेते सर, क्योंकि लेंथ डिस्प्ले, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना लेंथ, अरे वो हो सकता है लेकिन उसके लिए फिजिक्स वाली वो कंसेप्ट अलग है ना, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए फिर डायरेक्शन लगेगी, हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं इसमें, जी जी सर कोई नहीं, ओके सर क्लियर है ना, तो डिस्टेंस एंड हम लोग बोलते वक्त भी बोले डिस्टेंस, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले आपने सुना क्या, डिस्टेंस मतलब वो, हाँ मैंने अगर वर्ड यूज किया होता डिस्प्लेसमेंट तो फिर बात अलग हो जाती, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट वो सीखेंगे अपन साइंस में, वो छोड़ो, लेकिन अभी लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस इज ओनली फाइव, ओके इट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस देन, ओके 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 सबका लॉजिक ओके, किसी को डाउट इधर तक, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आए, सब सब जो जो बताया मैंने,
सर अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी होती फ्रॉम वाई एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस ही निकाला सर हमने, एक्स एक्सिस सॉरी सर एक्स एक्सिस, तो हम लोग इधर पॉइंट चेंज कर देते, बी के पॉइंट आप क्या लेते फिर 5,0, निकाल के देखो आंसर क्या आएगा, मेरे ख्याल से 12 आंसर आएगा, कॉमन सेंस है वो, निकाल के देखिए अगर निकालना चाहते हो ना कोई, इसको 5,0 लेके भी आप, हाँ 5,0 आप लेके देखिए आपका आंसर 12 मिल जाएगा आपको, 144 बनेगा आखिर में वो अंडर रूट। ओके एक्स एक्सिस से पूछा होता तो, चलू मैं आगे, यस yes, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, सबको क्लियर एक है चीजें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। अभी सपोज करो, सपोज मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, टाइम कम है हमारे हाथ में, वैसे लेक्चर जनरली जो थे मतलब अभी आई थिंक रमजान के बाद में अभी लेक्चर हो रहे राइट, रमजान के बाद में अभी हो रहे लेक्चर आपके, यस यस सर, तो पहले जो होते थे तब तो मैं इस टाइम पे नहीं लेता था, मेरा तो पहले खत्म हो जाता था आपका स्टैट का राइट है, तो यहाँ से कहाँ तक चलते आपके लेक्चर, मतलब कितने बजे तक लेते हैं जनरली, मैक्सिमम टाइम क्या है, वन आ रहे क्या, ठीक है तो हम हमको दो डेली लेने पड़ेंगे, ओके हम दो लेक्चर मतलब 40-40 ऐसा करेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, सपोज एक ए पॉइंट है, कुछ इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है मैं शायद इधर अच्छे से समझा पाऊंगा, हाँ इससे ठीक है, सपोज ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इधर एक बी पॉइंट है, सॉरी इसको डी लेता हूँ, इधर बी लेता हूँ, बी पॉइंट है x2 y2, यहाँ पे सी पॉइंट होगा x3 y3, डी पॉइंट है x4 y4, मतलब सबके अलग 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 नंबर दिए होंगे आपको, ठीक है अब ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग इस शेप को, ये चीज क्या है, रेक्टेंगल सर, करेक्ट, ये चीज क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एनीवन शेप से रेक्टेंगल लगती है बट एज पर कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल नहीं लगेगी अंटिल एंड अनलेस वी विल नॉट प्रूव इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल सर, सर दैट्स व्हाई इट्स अ फोर साइडेड फिगर, नो डाउट इट इज अ फोर साइडेड फिगर और वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेंट, दैट्स क्वाड्रेंट, यस सर, यस सर, इट इज क्वाड्रिलैटरल नो डाउट बट व्हाट इज द एग्जैक्ट अर्ली प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, टू प्रूव इट हमें क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये और ये, मतलब ए बी हमेशा इक्वल होनी चाहिए सी डी के और ए डी इक्वल हो जानी चाहिए बी सी के, ये बात सबको समझ में आ रही है, तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से आप ए टू बी डिस्टेंस निकाल सकते, आप सी टू डी डिस्टेंस निकाल सकते और चेक कर सकते हैं कि वो सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरी चीज आप ये चेक कर सकते ए डी का डिस्टेंस निकाले, बी सी का डिस्टेंस निकाले और उसकी भी कोई एक अलग दूसरी कोई एक वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर ये दोनों की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम सेम आ रही है और इन दोनों की अगर सेम सेम आ रही है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये रेक्टेंगल है, ऐसा ये क्वाड्रिलैटरल अब रेक्टेंगल हो जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या, बोलिए, अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ना,
इसका मतलब आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, और आपको चार पॉइंट दे दिए, आपको फिगर विगर कुछ बनाया नहीं होगा, आपको सिंपल ऐसे दे देंगे ए बी सी डी, और पूछेंगे ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे और पूछेंगे कि ये बताओ ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इसको ध्यान में लाओगे, नहीं तो आप ये फटाक से कोने में किधर तो भी बना लोगे रेक्टेंगल, इसको ए बोली, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोलना, फिर देखना कि क्या बताया था मैंने, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, निकालो इसके दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, ये निकालो, देखो ये दोनों पेयर सेम सेम हो रहे कि नहीं हो रहे, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है वरना नहीं है। ओके, दूसरी चीज, क्या डायगोनल का भी कुछ रिलेशन है इसके अंदर? यस एनीवन, क्या डायगोनल का भी कोई रिलेशन है? यस सर। क्या है? पीजीटी कॉन्सेप्ट सर। वो इक्वल होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके ओके, नहीं वो तो है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं जाना हमें, मुझे जस्ट बता दीजिए ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा कि नहीं होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ बस हमें चेक करने के लिए, मतलब अगर किसी को यहाँ पे विश्वास नहीं है और शॉर्टकट चाहिए होगा तो वो क्या कर सकता है, वो जस्ट ए सी बी डी के ऊपर भी जाके देख सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स में और होता है, जैसे स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर में भी ये चीज़ होती है, इसलिए आप लोगों को यही निकालना बेटर है, साइड्स निकाल के देखिए क्या होता है। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि द कोऑर्डिनेट्स आर नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, हाँ तो हाँ, हम तब कोई से भी दो साइड आगे हमारे पास बराबर तो हम कह सकते हैं। यस यस, आपको हिसाब से आप ले सकते हो उसमें, लेकिन जो सीक्वेंस दिया होगा पेपर में 1 2 3 4 उस सीक्वेंस में लीजिए, फिर कोई ऐसा गया तो भी उसका आंसर आएगा और कोई ऐसा गया तो भी उसका आंसर आएगा। नहीं सर, कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है ना कि ऑर्डर मतलब कोऑर्डिनेट्स आर नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर। तो एक काम करना, उसके लिए भी एक आइडिया है, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे क्या उसको आप थोड़ी देर के लिए इधर जा सकते क्या, ये वाला सिस्टम में, एक मिनट अब मैं जाके देगा, ये वाला सिस्टम में आप जाओगे थोड़ी देर के लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव से, मतलब पॉजिटिव दिया है, दोनों प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है कि प्लस माइनस है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते, पॉइंट प्लॉट कर सकते, यहाँ वहाँ जहाँ भी है, मतलब एक इमेजिनरी, सच में आप मत बनाते बैठो, शॉर्टकट में एकदम फास्ट, तो फिर ये कनेक्ट कर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑर्डर में ही हम अपने ऑर्डर में ले ले और उनमें से कोई से भी आपस में जब दो दो साइड बराबर निकल जाएगी देन वी कैन से इट्स अ रेक्टेंगल। वो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आया सबको समझ में फिर इधर तक, सारे कॉन्सेप्ट सबको आ रहे हैं दिमाग में? एनी डाउट इन दिस? यूज बता रहा हूं मैं हर एक चीज का, एक फॉर्मूला मैंने बताया बस आज, और उस फॉर्मूले के सारे यूज में धीरे धीरे समझा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही फॉर्मूला है, इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सारे देखने वाले हैं, लेकिन देख लीजिए, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिए, आपके पास लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलेंगे कल और देखेंगे इसके आगे क्या है क्या नहीं है, और क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें भी हमें और आगे कॉन्सेप्ट पढ़नी है। किसी को कुछ सजेशन होगा, कुछ फीडबैक होगा तो आप लोग दे सकते हो। ओके, सजेशन इज़ ऑलवेज वेलकम।